ये छोटा छोटा पौधा भी इसके लिए बड़ा सा है, देखिए धीरे पक जाएगा। और ये स्ट्रॉबेरी है, तो ये देखिए ये इस टाइप का है। और ये देखिए ये मीठा, काफ़ी मीठा। देखो बैर का चोर लोग, किसका बैर चोरी कर रहा है तुम लोग यार? तो बैर चोरी कर रहा है और हम लोग हरिगंज जा रहे हैं, इसी जंगल से होते हुए आए हैं। देख खतरनाक जंगल में दिखा रहे व्यू। अबे लेकिन ये सही नहीं यार, वही तो शक्ल से पता चल रहा है। शक्ल से नहीं, तभी तो छोड़ दिया। अच्छा नज़ारा रफ जंगलों के बीच में। कहाँ? अरे और यहाँ तो बैर का पेड़। तो आगे बढ़ते हैं। ये है बैर, इसी से हम लोग तोड़ के खा रहे हैं। कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है, पका भी है कच्चा भी है। और मेरे हाथ में खट्टा और मीठा, हल्का खट्टा मीठा। ओरिजिनल नेचुरल बैर। तुम लोग पूरा चोरी कर लो, मैं कंप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा ही भाई लोग का होगा बैर, उसी का एक्चुअली। वन विभाग का कुछ नहीं है, देखो खतरनाक। देखिए जाएगा बैर के दरिद्र लोग यहाँ पे हैं। खाना नहीं मिला था क्या घर में? सारा रहे भूखे आया लगता। तो फाइनली स्ट्रॉबेरी की खेती में दिखलाने जा रहा हूँ। मैं खा ही रहा हूँ, काफ़ी मीठा है। बाइक कैमरे से मैं दिखलाऊँ। रास्ते में स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ पे हरिगंज ब्लॉक में होता है, सुल्तानी के आसपास एरिया है। आपको दिखलाता हूँ ये स्ट्रॉबेरी की खेती है। मैं आपको देखिए तो ये छोटा छोटा पौधा भी इसके लिए बड़ा सा है, देखिए धीरे पक जाएगा। इस टाइप से खेती लोग करता है। ये प्याज लोग लगाया हुआ, तो मेड़ इस टाइप से मेड़ है। मेड़ पे छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी का पौधा किधर? हाँ तो ये इसके लिए देखिए, कहीं भी देखिएगा आप इस टाइप का, इतना ही छोटा पौधा मिलेगा आपको। और ये स्ट्रॉबेरी है, तो मैं तोड़ता हूँ और खा करके देखता हूँ इसको। सो ऐसा है इसके लिए, काफ़ी सुंदर और बहुत छोटा पौधा। ये लोग शायद पुणे से पौधा मंगाते, मैंने पूछा पुणे से पौधा लाता है और इस टाइप से मेड़ बना करके। पर इसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज मर जाएगा। एक सीजन में, ठंडा के सीजन में लगाया जाता है, ऐसा इन्होंने बोला। तो इस टाइप का पूरा खेती है। देखिए ये भाई साहब तोड़ के ला रहे हैं, मैं दिखलाता हूँ। देखिए जी क्या इसको तोड़ के ले जा रहे हो, फिर वहाँ पैक करोगे ना? तो ये देखिए ये इस टाइप का है और इसको ये लोग पैक करेगा डब्बा में, कलकत्ता फिर भेजेगा। क्या ये पका है तो खाना है? तो ये तो ये नहीं खा सकता है, कुछ इस टाइप का है। तो फाइनली हमने स्ट्रॉबेरी की खेती भी देख ली आज। इसके बाद पैक करते हुए आपको दिखलाऊंगा कैसे पैक होता है। ये देखिए पूरा इस टाइप का है। तो ये जो मैंने तोड़ा था मेरे हाथ में ही पड़ा हुआ था, ये देखिए ये मीठा, काफ़ी मीठा। एक्चुअल में अच्छा है, मैं सोच रहा था कि इधर अच्छा नहीं होता। पर हाँ मीठा होता ही है, काफ़ी अच्छा है यहाँ का। ब्रीड अच्छा है यहाँ,
और मैं पैक ही दिखलाऊंगा, पूरा पूरा स्ट्रॉबेरी है, मेरे आगे पीछे जितना देख रहा हूँ ये पूरा ही है। और साथ में प्याज भी डबल सीजन का हो रहा है, साथ में प्याज का भी इसमें हो रहा है। इसका मैं पैकिंग आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे पैकिंग होता है। और ये इनका स्टोर रूम है जहाँ पे पैकिंग, हटो जी थोड़ा सा, ये पूरा वेयर हाउस बोलिए जो भी बोलिए, और इधर पैकिंग चल रहा है। तो फाइनली 50 रुपये डब्बा बोले ना आप, मतलब लोकल हम अगर खरीदना चाहे तो 50 रुपये डब्बा मिलेगा। देखिए पैकेज टाइप का है ये, तो कलकत्ता से आदमी भेज देगा तो बड़े बड़े हॉस्टल में चला जाएगा। आ रहे हम स्ट्रॉबेरी ले रहे, मैं दो खरीदता हूँ अभी, तुम गाओ। तो यहाँ से इसके लिए लोग छटनी करता है, अच्छा खराब साइड में कर देगा। अरे हम यहाँ पे बोलो नहीं दिख रही, कहाँ गया हमारा पैकिंग। ये देखिए पप्पू दो डब्बा लिया है, तो 50 रुपये का डब्बा, और काफी अच्छा था, हम लोगों ने खा चुका फ्री में, दो खा चुके हैं, टेस्ट कर दो पैकेट नहीं टेस्ट कर चुके हैं, दो दो खा चुके हैं। इस टाइप का है, काफी अच्छा स्ट्रॉबेरी है। दो डब्बा हम लोग खत्म करेंगे, फिर आते हुए देखते हैं, फिर घुसेंगे इस गार्डन में। हाँ पप्पू फिनिश करो यार, ये रखा हुआ है स्ट्रॉबेरी, क्या फायदा, मस्त खाओ। देखो देखिए दांत लाल हो गया, काफी अच्छा है, ऐसा लगा कलर किया, ऊपर ऐसा है नहीं, नेचुरल एक्चुअली खेत में हम लोग देख रहे हैं इसको। मीठा है, मुझे लगा अच्छा नहीं होगा, रोटियां लोग बेचता था। हाँ ये पका हुआ है, ये भूखर लोग चिकन खाते हुए, देसी चिकन बनाया है 2 kg लेकर के, मेरा प्लेट सामने रखा हुआ है। ऑलरेडी लंच का टाइम पार हो चुका था, तो लंच हम लोग ढाबा में कर रहे हैं। लंच में सिर्फ मुर्गा और रोटी, प्योर देसी वाला है। कैसा बना है जी पप्पू? अरे कैसा हो तो बताओ। अच्छा नहीं है हाँ? अरे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा यार, देसी चिकन खा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहा है तुम।